तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू कुशवाहा टेक पर। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जो आपको वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में है। तो दोस्तों बिहार में जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई किया जाए ऑनलाइन वो आपको हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप लोग उसे डाउनलोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मेरा वीडियो है वो वीडियो आपको बताएंगे कि 2022 में कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके उसे आप अपने मंगा सकते हैं और उसे आप अपने ही से डाउनलोडिंग कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, और आप कहीं जाकर उसे प्रिंट आउट करवा के आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो का डिजिटल साइन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है और कौन साइट से आपको अप्लाई करना है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आप लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको उसके लिए एक साइट पर आपको जाना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग को यहाँ पर आना है, इसमें देख लेना है। तो आपको इसमें सर्च करना है RTPS, आपको सर्च करना है और आपको वन लिख देना है। तो आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएगा, RTPS 1, 2, 3, 4 आपको इसमें बहुत मिल जाएगा। तो आपको RTPS 1 डायल करना है और आपको इस पर RTPS 1 पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें देख सकते हैं श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे बिहार का अभी मुख्यमंत्री है। तो मेरा या अभी हिंदी में आपको यहां पर चाहते हैं तो आप लोग यहां से इंग्लिश कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो लॉगिन आईडी है आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है, मैं डायरेक्ट यहां से आता हूं। तो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा मानक संचालक प्रक्रिया है और उसके नीचे आपको ऑनलाइन आवेदन दे और लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, आपको इसमें क्लिक करना है, सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं आपको आवासीय है, जाति है, आपको बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको क्लिक करना है सामान्य प्रशासन विभाग पर, उसके बाद आपको आवासीय पद पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इस पर क्लिक करना, आपको मिल जाएगा अंचल स्तर और अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर। मैं आपको अंचल स्तर पर बना के बताऊंगा। तो हम लोग अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एक नया आपको टैब ओपन होगा। तो आपको जस्ट वंस पर क्लिक करना है, अगर आपको दूसरा वेबसाइट है तो आपको नहीं देखना पड़ेगा। चलो मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद यह खुल जाएगा, तो हम लोग खुलने का इंतजार कर लेते हैं। तो यह अब साइट खुल चुका है जिसमें आवेदन का विवरण है और इसमें आपको आवेदन का विवरण मिला है, आपको सब कुछ इसमें फिल कर देना है। तो फर्स्ट में आपको लिंक है, आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग का करना है। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर से पुल्लिंग का करता हूँ, और सिचुएशन आपको है तो मैं यहाँ स्त्री लगाता हूँ। तो कोई अभिवादन आपको भी छोड़ सकते हैं, मैं चलिए मैं यहाँ स्त्री कर देता हूँ। और आपको यहाँ एप्लीकेशन का नाम लिखना है जिसका आपको लिखना है। फर्स्ट में आपको इंग्लिश में लिखना है और नीचे आपको हिंदी में उसका नाम पूरा लिखना है, और उसके बाद आपको इंग्लिश में उसका फादर का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको हिंदी में उसका फादर का नाम लिखना है, और आपको नीचे करिएगा तो आपको मदर का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है और नीचे में आपको मदर का नाम आपको हिंदी में लिखना है। आपका हस्बैंड है तो आप लोग कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको एक मोबाइल नंबर किसी का भी आपको यहाँ दे देना है, और आप लोगों की ईमेल आईडी चाहे तो आप लोग दे सकते हैं ईमेल आईडी, और आपको है और आपको एक ईमेल आईडी भी इसमें आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पता में है आप लोग को राज्य सेलेक्ट करना है, तो चलिए बिहार ऑटोमेटिक हो गया। और जिला सेलेक्ट करना है मेरा कौन सा जिला है, तो मैं यहाँ मुजफ्फरपुर जिला कर लेता हूँ। और मुझे अपना अनुमंडल है तो मेरा पूर्वी अनुमंडल है, और पूर्वी अनुमंडल का मेरा ब्लॉक है और ब्लॉक पड़ता है मेरा, तो यह मुझे पड़ता है बोचहा में, तो बोचहा में कर लेते हैं। और मेरे गांव का यह क्या है, तो मेरे गांव का है ग्राम पंचायत, और आपको यहां पर वार्ड संख्या डालना है, उसके बाद आपको पंचायत डालना है कि आपका कौन सा पंचायत है, उसके बाद आपको ग्राम डालना है, गांव का नाम आपको, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, और आपको यहाँ थाना डालना है। तो मैं थाना मेरा है यह पड़ता है मुझे बोचहा, तो मैं बोचहा को कर लेता हूँ। और आपको पिन को डालना है और एक आपको फ़ोटो लगाना है, जो उसमें आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ता है। चलिए मैं आपको यह तो मैं सब कुछ को यहाँ फिल कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड को छोड़ देते हैं, आधार कार्ड को नहीं फिल करते हैं। और निवास का प्रकार है तो मुझे यहाँ स्थाई करना है, और आवेदन का आपको उद्देश्य करना है, और आपको फॉर्म है जो XIV इसका है आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद मैं इसमें सब कुछ को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सब कुछ को इसमें फिल कर दिया, और इसके बाद देख सकते हैं इसमें मेरा वेरिफिकेशन कोड है जिसको मैं यहाँ फिल करता हूँ, और उसके बाद हमको यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ रॉन्ग कर दिया हूँ, तो यह अब हो चुका है, मैंने इसमें सही वेरिफिकेशन कोड को डाल दिया, और यह इसके बाद यह आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो चलिए मैं उसमें प्रोसेस के लिए इंतज़ार कर लेता हूँ, यह आगे अब बढ़ रहा है।
तो उसके बाद आपको देख सकते हैं आपको मिल जाएगा, बाकी सब कुछ को आपको मैच कर लेना है। आवेदन का विवरण है आपको जो नाम मैंने लिखा था और सब कुछ आपको यहाँ पर देख लेना। आपको फिर से एक बार यहाँ पर आपको मिला लेना है। आपको देख सकते हैं मैंने जितने भी किया था सब कुछ इसमें आपको देखने मिल जाएगा। इसमें मैंने एक फ़ोटो को अटैच किया था तो जो मेरा फ़ोटो भी इसमें आपको हो चुका है। और उसके बाद आप लोग इसको बाकी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से अटैच हम लोग आते हैं, अटैच इनक्लूस इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको इसमें एक आपको दस्तावेज को ऐड करना पड़ा जिसमें मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे एक आधार कार्ड के इसमें फ़ोटो को ऐड करना है। तो मैंने इसका बना के फॉर्मेट रख दिया और इसकी क्वालिटी मैंने कम कर दिया और उसके करने के बाद यहाँ पर सेव पर हम लोग क्लिक करते हैं और सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ सेविंग पर इतना स्टार्ट हो गया और नीचे आपको आधार कार्ड जो मैंने सबमिट किया था आपको ड्राफ्ट में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं और सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ मिल जाएगा जो मैंने किया था वह सब कुछ है और उसका ये जो होता है मुझे वह रिसीविंग है और रिसीविंग को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ जो मैंने देख लिया और यहाँ से डाउनलोडिंग पर क्लिक करता हूँ और यह मेरे गैलरी में अब सेव हो चुका है। आप लोग अब आराम से इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसको मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको हमारे चैनल पर बना रहना पड़ेगा और वीडियो को आपको सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा तभी आपको ऐसा ही कॉन्टेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ऑनलाइन करने में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।